तो गैस अभी जो हम जा रहे हैं ये बेंगलोर हैवी रोड है। एक्चुअली मैं वागुली से जा रहा हूँ, तो यहाँ से इसका 42 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये दरगाह हैवी से टच ही है, हैवी से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे दरगाह है। हाय गैस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और गैस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि दूसरा वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप लोग को देखने के लिए मिले। तो चलिए गैस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज मैं एक दरगाह में आया हूँ गैस, तो डायरेक्टली दरगाह के पास आके ही शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग को दरगाह का सारा कुछ दिखाने वाला हूँ आज का ब्लॉग में। तो चलते आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये है दरगाह में जाने के लिए रास्ता। तो अभी हम जा रहे हैं दरगाह के अंदर। कितना बोल रहा है सन भाई? कितना? 500 वाला कर रहे हैं, मजा के पैसे। एक ही दिन है ना? तुम ज्यादा नहीं दे रहे हो? नहीं नहीं चादर चादर इसको बता लीजिए। दे दो। 100 वाला 150 वाला 100 वाला दे दो। ये दरगाह के अंदर जाने का रास्ता है, एक ही रास्ता है। अब यहाँ से जैसे हम जा रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं चादर उधर भी दरगाह में चढ़ाने के लिए मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। गाइस फाइनली अभी हम है दरगाह के पास। दरगाह का नाम है पीर कमर अली दरवेश, आप देख सकते हैं। अभी जाएंगे हम लोग अंदर। तो फाइनली अभी हम लोग दरगाह के अंदर से आ चुके हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, ये उंगली से पत्थर को उठाने वाले हैं। ये पत्थर उठाने के लिए मिनिमम 11 आदमी लगते हैं। आप देखिए किस तरह का पत्थर उंगली से उठाते हैं। हाँ, ये सीखा है।